ये विवेकानंद जी से इन्होंने मुझे मैसेज किया कि एग्ज़िट एग्ज़ाम का डेट आ गया है। फिर मैंने बोला कि ये आपको कहाँ से मिला, तो उन्होंने ग्रुप से मिला। तो कौन से ग्रुप से मिला, तो उन्होंने एक कॉलेज का नाम बताया, मतलब कॉलेज के सारे स्टूडेंट उस ग्रुप में हैं, और उन्होंने उस ग्रुप को बताया कि इस ग्रुप में ये मैसेज आया है। फिर मैंने उस मैसेज को खोल के देखा तो किसी लड़की ने ये मैसेज किया, ये वो मैसेज है जो ग्रुप में आया था। चलिए अब बात करते हैं दूसरे मैसेज की। ये सुनील जी हैं हरियाणा से, इन्होंने भी मुझे मैसेज किया 8:50 पर कि ये फेक है या रियल है बताइए। मैंने इनसे पूछा कि ये आपको कौन भेजा, तो बोले कॉलेज में आया। कॉलेज कौन सा, तो हरियाणा कॉलेज ऑफ फार्मेसी। मैंने उनसे बोला स्क्रीन शॉट भेजो, उन्होंने नहीं भेजा और मुझे ये एक यूट्यूब का वीडियो भेज दिया। फिर उन्होंने कहा कि मेरे कॉलेज के टीचर ने इसे अपने स्टेटस में लगाया है। मतलब कहने का है कि अभी तक कोई भी ये अपने दिमाग नहीं लगाया कि मुझे कहाँ से चेक करना है। चलो आप सब मेरे पे इतना भरोसा करते हैं कि मैं बता सकूं कि ये फेक है या रियल है, तो सबसे पहले देखिए कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का लेटर पैड है, नीचे में नोटिफिकेशन दिया है। आप फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई भी नोटिफिकेशन उठा के देख लीजिए, उसमें रेफरेंस नंबर होता है। क्या इसमें रेफरेंस नंबर है? उसके साथ आप इसमें देखिए कि डेट दिया हुआ है। आप डेट का जो फॉर्मेट है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के वेबसाइट में जब जाइएगा इस तरह से, तो ये इसका होम पेज है। अब कोई भी सेंसिटिव मैटर एग्जिट एग्ज़ाम जैसा नोटिफिकेशन अगर आता है तो सबसे पहले आपको यहीं पे दिखता है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। फिर मैंने सोचा चलो नीचे चलते हैं, नीचे जाकर देखा व्हाट्स न्यू में, तो वहाँ पे भी इस तरह का कोई मैसेज नहीं था। अब लास्ट ऑप्शन बचता था कि अब मैं कहाँ पे चेक करूँ। तो जब आप इन सारे व्हाट्स न्यू को देख करके जाएंगे तो आपको सबसे ऊपर जाना पड़ेगा। सबसे ऊपर जाओगे आप, तो ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये जो डॉट है, तीन तरह का लाइन, वहाँ का लाइन आपको वहाँ पे देखने मिलेगा। पॉलिसी एंड सर्कुलर में क्लिक कीजिएगा तो पॉलिसी एंड सर्कुलर में जितने पीसीआई के सर्कुलर्स हैं अभी तक वो दिखेंगे। अब ये खुल करके आ गया, 341 लास्ट सर्कुलर है। और अगर आप एग्जिट एग्ज़ाम का लास्ट सर्कुलर खोजेंगे तो आपको जाना होगा 318 में। थोड़ा सा और नीचे हम लोग चलते हैं, वहाँ पर आपको प्राप्त होगा, यहाँ पर 324 आया, 320 है, देखिए 318 में लिखा है डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग, यानी कि यहाँ पे क्लियर किया गया है एग्जिट एग्जाम के रेगुलेशन के बारे में। क्लिक टू व्यू में क्लिक कीजिएगा तो आपको ये डाउनलोड होगा। अब इसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ क्लिक टू व्यू में, और उसके बाद देखिए ये डाउनलोड हो गया है। और डाउनलोड होने के बाद कुछ ही देर में ये ओपन होगा। पॉपअप विंडो में ऊपर जाने के बाद ये आपको मिलेगा, देखिए अभी ये डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद देखिए ये ओपन होगा और मैं आपको बता दूंगा कि ये फेक है या रियल है, जो कि इतना वायरल हो रहा है एग्जिट एग्ज़ाम का न्यूज़। और कुछ लोगों ने जल्दबाजी में आकर के ग्रुप में डाल दिया, वीडियो बना दिए, स्टेटस में लगा दिए। अब देखिए देख रहे हैं कि ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का ऑफिशियल सर्कुलर है और यहाँ पर रेफरेंस नंबर है, डेट का फॉर्मेट 2 मार्च 2022 है। अब बताइए कि आपका पास जो सर्कुलर है क्या इस फॉर्मेट में है? अगर इस फॉर्मेट में है तो वो सही है, और अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो ये गलत है, यानी फेक है। यानी कि अभी तक जो आपके साथ पास आया है किसी भी माध्यम से एग्जिट एग्ज़ाम का डेट, वो फेक है। और मैं खुद कॉलेज में काम करता हूँ, मेरे कॉलेज के भी ऑफिशियल ईमेल आईडी पर इस तरह का कोई लेटर और ना ही हमारे झारखंड स्टेट की तरफ से इस तरह कोई लेटर आया है। लेकिन एग्जिट एग्ज़ाम से घबराने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ अगर आप 1 घंटा टाइम देते हैं तो आप एग्जिट एग्ज़ाम क्या उससे भी बड़ा हार्ड एग्ज़ाम पास कर जाएंगे।